Namaskar, welcome to Dallas Mirror. You are watching this Dallas Mirror on Desi Plaza TV. I'm your host, Karishma Himmat Singhani, ready with yet another episode of Dallas Mirror. Today we have a very special guest in our studio and his name is Avi Dandia. So, Avi Dandia ji, aap Bharat ke liye bahut kuch kar rahe hain. Wahan pe jaise hum sabhi Bhartiya, we feel connected even though hum yahan par hote hain. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय कहीं भी जाते हैं वो अपने दिल में छोटा सा भारत उठा के ले जाते हैं. बड़ा सा. ओके, सो आई एम श्योर कि यहाँ पर आप यहाँ पर रह गया भारत के लिए बहुत कर रहे हैं, बट आपको ये भी लगता होगा कि अब जो है ये भी आपकी एक कर्मभूमि है डैलस, और वहाँ के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए. तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ पे जो हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है उससे रिलेटेड आई एम श्योर काफ़ी सारे इश्यूज होंगे, उनके लिए आपने कुछ सोचा है, कुछ करते हैं? पहले मैं जहाँ पे जन्म मेरा हुआ है पहले मैं उसको संभाल लूँ. कर्म मूवी तो हरदम ही रहेगी यहाँ पे, तो पहले जहाँ पे जन्म हुआ उसको संभाल लें. फिर यहाँ पे बहुत काम करना है अभी. यहाँ पे डैलस में भी जैसे आपको पता है यहाँ भी एसोसिएशन है और क्या काम करती हैं क्या नहीं करती. खैर वो बात कभी और कभी आपसे करेंगे, मगर फिलहाल तो मेरा दिल और दिमाग सारा का सारा जन्म स्थल पर है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है. जी जी, वहीं पर. सो यहाँ पर भी देखा जाए तो वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस हु बीन. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे कि INT टू बिगिन विद एंड देन देयर आर सबसीक्वेंट सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस. नो, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे भी इंडिया को स्प्लिट कर दिया है. तेलुगु एसोसिएशन, राजपूत एसोसिएशन, सिंधी एसोसिएशन. क्यों जी? यही तो इंडिया की जो बातें हैं वो यहाँ पे आके भी वही हो जाती हैं जी. तो मेरे ख्याल से जब हम कहते हैं कि हम अपने साथ भारत ले जाते हैं तो भारत की जो हमारी जो बुराइयां हैं वो भी हम साथ लेके आते हैं. टुकड़ा आपने कहा ना, टुकड़ा ले जाते हैं. तेलुगु एसोसिएशन अपना टुकड़ा लेके आ गई. हाँ. महाराष्ट्रियन अपना टुकड़ा ले आए, गुजराती अपना ले आए. हाँ. इंडिया कौन ला रहा है? इंडिया को किसी की चिंता नहीं है. और जिसकी है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉट टैक्सेस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉट टैक्सेस कमेटी में एक पाकिस्तानी क्या कर रहा है जी? चलिए, आप आज तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉट टैक्सेस ने यहाँ पे जो लोग बाग मूव इन होते हैं या जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स जो आते हैं UTD में, नोबडी क्या हेल्प करते हैं? कोई कुछ किसी करते को पता ही नहीं क्या चलता. अपडेट्स करते हैं ट्विटर पे, इनके इलेक्शंस कोई बताते हैं, इनके पास जो पैसा आता है उसके बारे में बताते हैं. हिंदुस्तान का झंडा अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में यूज करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, आज नहीं तो कल. और अगर मैंने बोलना शुरू किया सोशल मीडिया पे आज की तारीख में, हमारे परिवार है ये, मोहब्बत के दंगे एक परिवार है, फैमिली है. हमारा परिवार बहुत बड़ा है इससे, जितने आप इतने पनिहानी रहते हैं इंडिया में उससे बड़ा परिवार हमारा इंडिया में है. मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बात करूंगा, मैं इसके अंदर राजनाथ सिंह जी से बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बोलूंगा कि सर ये जो एसोसिएशन खोली है, आप BJP ओवरसीज ऑफिस खोलो, कांग्रेस खोलो, मगर इंडिया का नाम लेके आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना खोलो. ये अलाउड नहीं करेंगे आप. या तो आप इसमें इलेक्शन कराइए ढंग से, और जितने पैसे का करोड़ों रुपया का लेन देन होता है, कॉन्सर्ट्स आते हैं, पैसा होता है, कहाँ जाता है? और क्यों एक ही रेडियो चैनल या एक ही ऑर्गेनाइजेशन इस पर कंट्रोल करके बैठा है? तो इसका मतलब ये इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, और कुछ भी लेना देना नहीं है. और हमने पहले भी मैंने कहा है, मेरे को प्रेजिडेंट से, मैंने प्रेजिडेंट थी कौन है, इंदू रेड्डी, अब पहले थी या अभी है मुझे नहीं, मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा, शी नेवर रिस्पॉन्ड. तो हाउ कम शी इज इन द सेंस रिप्रेजेंटिंग मी एज अ प्रेसिडेंट. I don't consider as my president, my association president. I don't, because they have to, you know, in the sense declare everything out on a public domain, especially the money part. So, you know. So I would like to ask you ki how the rest of the entire community, Indian community, responsible for how the organization that are representing them in the mainstream, you know, how can they, you know, help or work towards regulating those organizations or keeping a tab or, you know, keeping constant, you know, vigilance on those organizations? Nobody Don't you think it's their nobody responsibility? Has challenged their status quo. Nobody has challenged the status quo of INT here. Because so everybody is hand and shake with them. Yeah, so but the community is also responsible. चलिए मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, उत्तराखंड में इतने लोग मरे? जी. 80,000 तो मैं आपको साबित कर सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है. Yeah. They say over a lakh. उत्तराखंड के अंदर मैंने सबसे बड़ा NRI जो था इनिशिएटिव वो मेरा था. जी. मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं किया INT के अंदर. Yes. मैं यहाँ से 2 टन सामान लेके उड़ा उत्तराखंड गया 16 दिन, एक शर्ट का टुकड़ा भी इन लोगों ने इनिशिएट किया कि बच्चों के लिए भेजें. तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कराती है यहाँ पे लाके गीत संगीत के लिए? तो ये फिर ऐसे बेटर है ये दूसरी खोल लें, क्योंकि हम ये सोच रहे, मैं ये सोच रहा हूँ अब
कि मैं पैरेलल आईएनटी खोलने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं नहीं हूँगा मगर और सब कम्युनिटी के लोग होंगे सारे के सारे, और दूसरी कंट्री का आदमी मेरी, वो ठीक है इट्स अ गुड जेस्टर बट दैट्स फाइन, पाकिस्तानी आता है दैट्स ओके, बट ऑन व्हाट ग्राउंड? करेक्ट, आप भी पीएसएनटी के अंदर एक इंडियन भी है और एक इधर भी है, ये कोई म्यूचुअल हार्मनी की बात नहीं, नहीं हो रही, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चल रहे और कोई लेना देना नहीं है जी. सो हाउ द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी शुड रिएक्ट टू दिस और व्हाट इज देयर ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी? दे हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग. If you don't stand against it, you are making another India here. Because India people are scared of standing against the wrong. That's what is happening here. Yeah. These people who are holding INT office bearers, they are sending a scare, you know, in the sense messages, or they scare the people that we are the ones who are, you know, holding this and you can't go against it. Nobody is going against you personally. We are against your policies. So remember, don't take it personally that I am going against Indu Reddy. No, I am going against the chair of the president. And I have all the rights to do it because I am an Indian. I challenge her. मैंने उनको कहा था आप मेरे साथ डिबेट पे आ जाइए. टुडे आई चैलेंज ओपनली फॉर एनी ऑफिस बेयरर ऑफ आईएनटी टू कम ऑन अ डिबेट विद मी, देन वी विल सी. ओके, एंड डिबेट करते हैं और जो इंडिया इंडियन डायस्पोरा है उसको डिसाइड कर दीजिए कि हम सही हैं या ये सही हैं. बिल्कुल सही. Well, you have the open platform and you've already asked them to come and debate with they you. Won't. In the end, before we wind up, do you have any message to give first to your Indian followers and then there to are no followers first of all ye facebook ka ek galat word hai, they are not for, they are supporting the cause, you know. So but I just want to say to everybody that, you know, India comes first. There is nobody who can replace India. There is no ideology which can replace India. We have a constitution, we have our own rights. Practice the constitution, you know, you should know your rights and don't make any individual, you know, bigger than India, may it be supporters of Aam Aadmi Party or BJP or Akhilesh or anybody. अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं. जी जी. और जो यहाँ पे हैं इंडियन कम्युनिटी डालस में, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो लोग मैं आपको बताता हूँ, इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पे सोशल चेंजेस करने में वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए देन पॉलिटिकल चेंज. जी, आप सोसाइटी बदल देंगे, राजनीति अपने आप बदल जाएगी. आप समाज तो बदल नहीं रहे. अभी मैंने देखा आम आदमी पार्टी के पंजाब के लोग जा रहे हेल्प करने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मगर ड्रग्स का इशू जो पंजाब में है, मैंने मेरा वीडियो गया है, मैंने वीडियो में डाला कैसे सोल्यूशन दे सकता हूँ, नोबडी रिस्पॉन्डेड, नॉट इवन आम आदमी पार्टी सपोर्ट. इंस्टेड ऑफ दैट दे कीप ऑन चैलेंजिंग यू कि आप क्यों नहीं करते. भाई व्हाट आर यू डूइंग ऑन द ग्राउंड देन? यू आर द सपोर्टर. आज मैं आपका सपोर्टर हूँ, मुझे कोई आके बोलता है तो मैं आपके तक बात लेके जाऊंगा ना. आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आदमी थर्ड आदमी बात लेके जाए? तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, ईगो है, अहम है बहुत ज्यादा, जो इन सबको एक धीरे धीरे they will be, you know, in the sense evaporated agar yehi raha to inka. Well, we wish you all the luck. हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आके काम करने की जैसे आप कर रहे हैं. वेट नहीं करिए किसी का. जी जी. यू कांट वेट फॉर एनीबॉडी व्हेन यू आर वर्किंग फॉर इंडिया. यू शुड नॉट वेट, जस्ट गो अहेड. यस, दैट्स इट. और जैसे कहते हैं कि अकेला ही चला था और लोग जुड़ते गए. और हमारे उर्दू में ये बहुत है, हमारे साथ जो फॉलो करते हैं वो ऐसी ऐसी शायरियां मुझे भेजते हैं. जी जी. कारवा बनता चला गया. मैं भूल रही हूँ, माफी चाहती हूँ मेरे दर्शकों से कि मैं भूल रही हूँ पूरा शेर, लेकिन आई एम श्योर यू गॉट द स्पिरिट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. एंड इट वाज ए ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू अभी डानिया जी. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और देसी प्लाजा टीवी से बात की. थैंक यू टू यू करिश्मा जी. थैंक यू टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वी विश यू ऑल द गुड लक. थैंक यू. This is Karishma signing off for Desi Plaza, Dallas Mirror.